नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे मंदार पर्वत पर शुरू हुए रोपवे के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को लोगों के लिए, यानी कि बिहार के लोगों के लिए सौगात दी है। बता दें कि नीतीश कुमार ने बांका जिले के मंदार पर्वत पर रोपवे का उद्घाटन किया है। रोपवे की शुरुआत होने से जिले में पर्यटन को काफी गति मिलेगी, साथ ही यहां पर पर्यटकों की संख्या में भी जो है बढ़ावा देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री संजय झा समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। मंदार पर्वत रोपवे के बारे में बताया जा रहा है कि महज 80 रुपये के टिकट लेकर लोग अब मंदार की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों को दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि मंदार पर्वत से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है और यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रोपवे नहीं होने के कारण पहले घंटों की चढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब रोपवे बन जाने के बाद से मिनटों में लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। बता दें कि पर्यटन विभाग के द्वारा बड़ी नवनिर्मित रोपवे का उद्घाटन के बाद से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। इस रोपवे में कुल 8 केबिन बनाए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि केबिन में 4 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। इस रोपवे की दूरी 400 मीटर है। आपको बता दें कि इस रोपवे की शुरुआत के बाद पहला पड़ाव जो होगा वह सीताकुंड में होगा, उसके बाद यह और ऊपर जाएगा जहां जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वासु पूज्य का मंदिर है, जिसमें उनके चरण पादुका रखा हुआ है। यहां पर पूरे देश से जैन धर्मावलंबी पहुंचते हैं। वहीं अगर हम इनके निर्माण कार्य की अगर हम बात कर लें तो इसको बनाने में 8 साल का समय लगा है। यह मंदार पर्वत वन विभाग के अंतर्गत आता है। इसे बनाने के लिए बिहार सरकार ने करीब 8.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी ने इस रोपवे का निर्माण किया वही अभी 1 साल तक जो है इसको ऑपरेट भी करेगा। तो आपको बता दें कि यह बिहार सरकार की जो है दूसरी सबसे बड़ी रोपवे बनाई गई है, जो कि मंदार पर्वत पर बनाई गई है। यहाँ पे जो है वैसे लोगों के लिए यह खासकर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जो मंदार पर्वत पर जो सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ते थे। ऐसे में बिहार सरकार ने जो है एक अच्छी पहल करते हुए दूसरा रोपवे बनाया। इससे पहले का रोपवे जो है राजगीर में जो है हम देख सकते हैं, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें मंदार पर्वत पर जो है पर्यटकों के लिए जो है रोपवे खोल दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने जो इसका विधिवत उद्घाटन किया, उसके बाद से जो है मंदार पर्वत अब एक तरह से कह लें पर्यटकों के लिए एक बहुत ही सुलभ और एक तरह से कह लें मनमोहक दृश्यों के लिए यह मंदार पर्वत जाना जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।